हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैव उपक्रम, हिंदी मीडियम में। तो जैव उपक्रम स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का चैप्टर है। जीव विज्ञान आपको पता ही होगी, 9th में भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं इसके, छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हैं, कि जो जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का, सजीवों का जिसमें अध्ययन करते हैं, वो होती है स्टूडेंट्स जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोलते हैं जिसे। तो जैव उपक्रम ऐसा ही एक चैप्टर है जिसमें आपके शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैव उपक्रम क्या होती है? उपक्रम मीन्स क्रियाएं, जैव मीन्स सजीव। तो ऐसी क्रियाएं जो सजीवों में होती हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जैव उपक्रम क्या होती हैं? ऐसी प्रक्रियाएँ जो जीवन के अनुरक्षण के लिए चाहिए। ठीक है, कैसी प्रक्रियाएँ? ये हो गया, ऐसी प्रक्रियाएं जो सभी जीवों में अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव उपक्रम। तो स्टूडेंट्स, अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, जैसे आपके शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में रिपेयर चलती रहती है, मरम्मत, और उसको मरम्मत को बनाए रखना, मेंटेनेंस जैसे चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं अनुरक्षण। ठीक है, तो अनुरक्षण आपको पता चल गया है, जैव उपक्रम आपको पता चल गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने देखा होगा सजीवों और निर्जीवों के क्या गुण होते हैं, कैसे पहचानते हो आप सजीव के या निर्जीव के गुण? कोई भी, जैसे आपने बिल्ली देखी है, ठीक है, कोई मनुष्य चल रहा है, तो वो सभी आप देख के पहचान लेंगे कि ये सजीव है, मतलब उसकी आपने गति से उसको पहचान लिया। लेकिन जैसे पेड़ पौधे हैं, वो गति नहीं करते, तो उनको आप कैसे पहचानेंगे? लेकिन छोटी गतियाँ तो उनके अंदर भी होती हैं, पत्ते हिलते हैं जैसे, ठीक है। तो गति से पता चलता है एक बाहर से देखने से ही कि ये सजीव है या निर्जीव है। लेकिन कई जीवों में ऐसी बड़ी गतियां नहीं होती, उनमें छोटे अणुओं की गतियां तो होती हैं कोशिका के अंदर। आपने कोशिका पढ़ा है, कोशिका अंग होते हैं, कोशिका द्रव्य होता है। तो उस कोशिका द्रव्य और कोशिका अंगों में क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं। तो वो आणविक गतियाँ होती हैं कई जीवों में। क्या होती हैं? आणविक गतियाँ। तो हम यहाँ पर लेते हैं सजीव तथा निर्जीव, सजीव व निर्जीव के गुणधर्म। तो मैंने अभी आपको बताया इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे हम लें सबसे पहले वाला वृद्धि। तो वृद्धि क्या होती है? आपको पता ही होगा, किसी भी जीव का या किसी भी वस्तु का आकार बढ़ना क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, कि उसका भाई साइज बढ़ गया, आकार बढ़ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे कि परिभाषित गुण कौन सा है जीवों का, कैसा गुण? स्टूडेंट्स, परिभाषित, परिभाषित गुण होता है ऐसा गुण जिसके आधार पर परिभाषा दी जाए। परिभाषा मतलब कि किसी और दूसरे गुण की जरूरत ना पड़े, भाई उसी गुण के आधार पर हमने विवरण दे दिया कि ये लिविंग है, ये सजीव है। ठीक है, तो वृद्धि के आधार पर हमें ये कहने की मतलब होनी चाहिए कि भाई वृद्धि जिसमें है वो पक्का लिविंग है, और वृद्धि जिसमें नहीं है तो वो पक्का निर्जीव है। ठीक है, तो सजीव और निर्जीवों का गुण, लेकिन वृद्धि एक परिभाषित गुण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा गुण लेते हैं प्रजनन। प्रजनन आपको पता होगा स्टूडेंट, सजीव करते हैं, लेकिन प्रजनन एक इतना बड़ी प्रक्रिया नहीं है कि जिसके बिना जिंदा ना रह सकें। ठीक है, तो ये भी एक परिभाषित गुण नहीं है, मतलब ये जीवों में होते हैं लेकिन इनके बिना जिंदा रहना मुमकिन है। ठीक है, समझे? तो ये इसलिए हम बोलेंगे इन दोनों को परिभाषित गुण ये नहीं है। तो ऐसे ही तीसरा आता है जैव उपक्रम। जैव उपक्रम जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एक परिभाषित गुण है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव बच नहीं पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। अनुरक्षण का कार्य करती है ये, जिंदा रहने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं चाहिए, जैसे पोषण है, श्वसन है, ठीक है, और वहन है पदार्थों का। ये सभी क्या है? आपके जैव उपक्रम है। हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जैव उपक्रम हो गया। जैव उपक्रम के बाद आता है आपका, तो ये आपका नेक्स्ट आ गया है मरम्मत तथा अनुरक्षण, जो हमने ऊपर अभी बताया है, मरम्मत तथा अनुरक्षण। ये भी सजीवों का गुण है। जैसे निर्जीव हैं, ये कॉपी है, टेबल है, ये सभी अपना मरम्मत कार्य और अनुरक्षण कार्य नहीं कर सकती अपनी आप। ठीक है,
वृद्धि थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे पहाड़ पे रेत जम गया तो उसका साइज आकार बढ़ जाएगा, वृद्धि हो रही है। प्रजनन क्या होता है, अपने जैसा दूसरा बना लेना, तो इस कॉपी जैसी हम पेज जैसा दूसरा पेज बना सकते हैं, टेबल जैसी दूसरी टेबल बना सकती है, पेन जैसा दूसरा पेन बनाया जा सकता है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि यह दोनों गुण थोड़ा बहुत निर्जीव में भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे। तो इस वजह से इन दोनों को क्या बोला जा रहा है, परिभाषित गुण है, ये दोनों परिभाषित गुण नहीं है, ठीक है। या फिर कोई भी पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, पर्यावरणीय बदलावों से जो अनुक्रिया हो रही है, पर्यावरणीय बदलावों से अनुक्रिया, ये हो गया आपका कि पर्यावरण में कोई भी बदलाव होता है तो उससे जो अनुक्रिया आती है, अनुक्रिया मतलब उससे कोई भी रिस्पॉन्स आई। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे धूप आ जाती है, गर्मी लगती है, तो हमें एकदम से लगता है, फील होता है कि गर्मी लग रही है, तो किसी निर्जीव वस्तु को वो फील नहीं हो सकता, वो महसूस नहीं कर सकती। तो जो वो महसूस करना है वही अनुक्रिया है कि ठंड लग रही है तो हम उसे महसूस कर पाएंगे, ठीक है। एकदम से तेज़ धूप में जाते हैं तो आँखों की पुतलियाँ बंद हो जाती हैं, तो हम कुछ ना कुछ अनुक्रिया देते हैं पर्यावरण में कुछ भी बदलाव आने से, तो जो कि निर्जीव वस्तुएं नहीं दे पाएंगी। तो ये भी एक परिभाषित गुण है, जो मैं ये टिक लगा रही हूँ, ये सभी परिभाषित गुण है। ऐसे ही हमारा आखिरी बच गया है, तो आखिरी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गति, सबसे पहले ही बात की थी, तो गतिशीलता जो है ये भी किसका गुण है, ये भी जीवों का गुण है, ठीक है, निर्जीवों का नहीं है। गति जरूर होगी, चाहे जैसे पेड़ पौधों में बाह्य गति नहीं है तो उनमें आंतरिक, उनकी कोशिकाओं में आणविक गति मिलेगी। कैसी गति मिलेगी, आणविक गति, उनके अणु गति करेंगे, कुछ ना कुछ तो गति जरूर होगी। ये आणविक गति तो मस्ट होती है, हर किसी में मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्या हो गया, परिभाषित गुण हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो जीवों में अनुरक्षण के लिए चाहिए होती हैं, वो उन प्रक्रियाओं को जैव उपक्रम बोलते हैं। तो ये अनुरक्षण, मरम्मत और अनुरक्षण, ये अपने आप होता रहता है, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेटे हैं तो भी अनुरक्षण कार्य हमारे शरीर में चलता ही रहता है। तो अनुरक्षण कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आएगी फ्रेंड्स, ऊर्जा जो है हम बाहर से लेते हैं, ऊर्जा का कोई स्रोत होगा, बाहर से हम लेंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो भोजन क्या है, भोजन ऊर्जा देगा, तो वो बाह्य स्रोत है जो क्या लेके आएगा आपके शरीर में, ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जैव उपक्रम की, अब उस अनुरक्षण और मरम्मत कार्य को बनाए रखने के लिए ऊर्जा में बाहर से चाहिए, जो कि हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो भोजन का बाहर से ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण। तो ये हमारी होगी पहला जैव उपक्रम, तो ये कौन सा जैव उपक्रम हो गया, पहला पोषण। चार जैव उपक्रम है आपके, पोषण हो गया है, पोषण के बाद आता है श्वसन, और श्वसन के बाद आता है वहन, और वहन के बाद आखिरी वाला है उत्सर्जन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पांच जैव उपक्रम है हमारे पास, सॉरी चार जैव उपक्रम है। तो ये जो जैव उपक्रम है ये आपको ध्यान रखनी है। अब ये सभी जैव उपक्रम जीवन के अनुरक्षण के लिए चाहिए, मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि अनुरक्षण के लिए हमें भोजन चाहिए होगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो भोजन को लेना पोषण है। अब वो भोजन अपने आप तो ऊर्जा देगा नहीं, उसका मतलब हम उपचयन अपचयन प्रक्रिया होएंगी, वो टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तभी उसे ऊर्जा निकलेगी, एक ऊर्जा का स्रोत निकलेगा, ताकि हम अनुरक्षण और मरम्मत कार्य हमारे शरीर में होते रहें। तो वो प्रक्रिया है श्वसन की, बाहर से ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को भोजन तक पहुँचाना। तो ये क्या है, श्वसन है कि सांस में ऑक्सीजन हमने ले ली और ऑक्सीजन उसको तोड़ देगी भोजन को और ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये भी अनुरक्षण के लिए चाहिए। अब देखो, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य तो हर एक कोशिका में होगा, और कोशिका तो हमारी पैर के अंगूठे में भी है, सिर में भी है, हाथों में भी है, हर जगह है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ गई है, ऑक्सीजन गई है फेफड़ों में, और भोजन कहाँ गया, भोजन गया हमारी अंतड़ियों में, आंतों में गया है। तो इन दोनों चीज़ों को हर जगह पहुँचाने के लिए, ताकि इनसे हर कोशिका में ऊर्जा मिले, एक ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वहन तंत्र। तो वहन तंत्र होता है रुधिर वाला, जो रक्त वाला जो तंत्र है उसको बोलते हैं वहन तंत्र। तो ये भोजन को हर जगह पहुंचा देगा, एक जगह से दूसरी जगह तक, और इन दोनों को, ऑक्सीजन को और भोजन को, ये हर कोशिका में पहुंचा देगा, ताकि हर कोशिका में ऊर्जा प्राप्त हो सके। अब जहाँ पे भी ऊर्जा बनेगी, प्रक्रियाएं होंगी उपचयन अपचयन जैसी, तो हर जगह उत्सर्जित पदार्थ निकलेंगे, वेस्ट,
जो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए, जो कि अगर शरीर में इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। तो उन हानिकारक पदार्थों को भी बॉडी से, शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र होता है जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र, वहन तंत्र, श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र, ये हमारे पाँच हो गए, चार हो गए हैं सॉरी, जैव उपक्रम, ठीक है। और ये मैंने अभी बताई है आपको सजीवों के गुण हैं ये, और ये नीचे वाले जो चार गुण हैं ये परिभाषित गुण हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने गतिशीलता आपको बताया कि गतिशीलता हर जीव में होगी, लेकिन जैसे अगर वायरस की बात करें, विषाणु, वायरस विषाणु होता है, तो विषाणु का आज तक डाउट है कि ना तो ये सजीव हैं और ना ही ये निर्जीव हैं। अगर ये किसी सजीव कोशिका के अंदर घुस जाते हैं तो ये सजीव बन जाते हैं, आणविक गतियां भी होने लगती हैं इनके अंदर, ये प्रजनन भी करने लगते हैं, लेकिन बाहर रहते हुए बिल्कुल निर्जीव की तरह हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी नमक के क्रिस्टल होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इनके हम क्रिस्टल तक बना सकते हैं वायरस के। तो आज तक डाउट है कि इनको सजीव की कैटेगरी में रखें या निर्जीव में रखें। तो जो ये वायरस हैं ये ना तो सजीव हैं और ना ही ये निर्जीव हैं। जैसे आपका अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस भी क्या है, काफ़ी आपने सुना होगा इसके बारे में कि यह सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि वायरस को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते, ना ही वो सजीव होती हैं और ना ही वो निर्जीव होती हैं। तो अभी हम इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उस और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे ये जो तंत्र बने हुए हैं अलग अलग, तो ये सभी तंत्र बनते हैं स्टूडेंट्स बहुकोशिकीय जीवों में। किस में बनते हैं ये सारे के सारे? बहुकोशिकीय जीवों में। क्योंकि जो एक कोशिकीय जीवों में तो एक कोशिका होगी, वो कोशिका आसपास पर्यावरण के कांटेक्ट में है, पर्यावरण है उसके आसपास, तो उसको अगर ऑक्सीजन भी लेनी है तो वो आराम से ले लेगी, क्योंकि सीधा संपर्क है उसका वातावरण के साथ, और उसको भोजन भी लेना है तो भोजन को भी ले लेगी वो कोशिका सीधा, बिना किसी की जरूरत के। और ऐसे ही क्या ले लेगी, वो ऑक्सीजन को ले लेगी। अब अगर ये बनेंगे बेकार के जो पदार्थ बनते हैं उनको भी वो बाहर निकाल देगी आराम से, उत्सर्जन भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही कोशिका होने के कारण और पर्यावरण के सीधा संपर्क में होने के कारण उसको अलग अलग तंत्र की जरूरत नहीं है कि भाई पूरे पूरे शरीर में ये तंत्र बने, तो उसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है कोशिकीय जीवों को। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीवों में रिक्वायरमेंट होती है इन सभी तंत्र की, ठीक है। अब इसमें तो जो ये प्रक्रिया हो रही है ये कौन सी प्रक्रिया से होता है? विसरण से, ठीक है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा और विसरण में भी आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है विसरण। विसरण होता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति। किस चीज की? ज्यादा सांद्रता जहां होगी ना, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसकी गति होती है? ये किसी भी अणुओं की, आयनों की, गैस की, किसी भी पदार्थ की, ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। जैसे परफ्यूम का उदाहरण लेते हैं, अगरबत्ती का उदाहरण लेते हैं, कि जहां उसकी सुगंध ज्यादा है वहां से कमरे के दूसरे कोने तक, जहां उसकी सुगंध नहीं थी या बहुत कम थी वहां तक भी वो आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण, ठीक है। तो ये विसरण से भोजन को, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थों को निकाल रहे हैं, तो ये सारी विसरण की प्रक्रिया है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती है और बहुत अंदर अंदर तक भी होती हैं शरीर में, तो वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं है, तो विसरण कैसे होगा? इसलिए उनको अलग अलग शारीरिक तंत्रों की आवश्यकता होती है सारे कार्य करने के लिए। अब देखिए पाठ्यपुस्तिका के कुछ प्रश्न हैं, ये देखिए चार ही हैं यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी कुछ मिस प्रिंटिंग है बुक में, तो पूरी अच्छे से क्लियर नहीं होंगे आपको, मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुन लेना। पहला है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये वही क्वेश्चन है, आप आंसर दे दीजिएगा कि विसरण में जो है एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में होती है लेकिन बहुकोशिकीय में नहीं होती, इसलिए उनमें अपर्याप्त है, बहुत सारी कोशिकाएं अंदर तक भी होती हैं। दूसरा है, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो मैंने आपको सजीवों के गुण बताए हैं स्टूडेंट्स, 5-6 जो गुण बताए हैं उन्हीं मापदंडों के आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है।
तीसरा है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब कच्ची सामग्री होती है जो बाहर से लेते हैं, ठीक है। अब को किसी भी फैक्ट्री में जो बाहर से कच्चा माल आता है वो कच्ची सामग्री होगी। अब हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है, तो हमारे में बाहर से क्या आता है, हमारे में दो ही चीज़ें बाहर से आती हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक खाना जो हम खाते हैं, तो ये दो ही कच्ची सामग्रियाँ, तो भोजन और ऑक्सीजन, इन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। चौथा है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि हम जो ये चार जैव प्रक्रम है इन्हीं को आवश्यक मानते हैं। कौन कौन से? पोषण, श्वसन, वहन तंत्र और उत्सर्जन, ये चार हैं। तो हम एक एक करके अब हम इन चारों तंत्रों को करेंगे, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन तंत्र, ठीक है। पेड़ पौधों में भी और मनुष्य में भी, सब में करेंगे इनको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम पोषण के बारे में पौधों में और जीव जंतुओं में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके।